वेलकम बैक टू न्यू वीडियो फ्रेंड्स। आप लोग को बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि भैया UGSC सेकंड राउंड का मेरा सीट अलॉटमेंट नहीं आया है, तो आगे क्या करना है और किस कारण से सीट अलॉटमेंट नहीं आया है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो मैं बताऊंगा तीन चार कारण है, इसी कारण से आपका सेकंड राउंड का सीट अलॉटमेंट नहीं आया है। तो मेरे पास एक स्क्रीनशॉट है, उसको देख लीजिए, उससे पता चल जाएगा कि सीट अलॉटमेंट नहीं आता है तो क्या लिखा रहता है, जब आप वेबसाइट पर लॉगिन करेंगे तो क्या लिखा रहता है। चलिए देखते हैं कि सेकेंड राउंड अगर आपका सीट अलॉटमेंट नहीं आया होगा तो क्या कारण है। तो पहला कारण, अगर आप रॉन्ग चॉइस फिलिंग किए होंगे, मान लीजिए आपका परसेंटाइल कम होगा और आप बस टॉप कॉलेज को डाल करके छोड़ दिए होंगे, तो आपका सेकंड राउंड में सीट अलॉटमेंट नहीं आया होगा। उसमें क्या होता है, अगर फर्स्ट राउंड में सीट अलॉटमेंट नहीं आया होगा तभी आपका सेकंड राउंड में सीट अलॉटमेंट नहीं आएगा। मान लीजिए आपका 20% 30% 40% और टॉप 5 टॉप 10 कॉलेज डाल दिए होंगे, तो आपका ना फर्स्ट राउंड में सीट अलॉटमेंट आया होगा ना सेकंड राउंड में आया होगा। यानी कि अगर आपको फर्स्ट राउंड में अलॉटमेंट नहीं आया और सेकंड में भी नहीं आया, तो आपका कारण है कि रॉन्ग चॉइस फिलिंग किए होंगे, चॉइस फिलिंग सही से नहीं किए होंगे, तो आपका फर्स्ट राउंड का सीट अलॉटमेंट भी नहीं आया, सेकंड राउंड का भी नहीं आया। ये चीज़ समझ गए। बट जिनका फर्स्ट राउंड में सीट अलॉटमेंट आया था, सेकेंड राउंड में सीट अलॉटमेंट नहीं आया, उनका क्या कारण हो सकता है? तो उनका कारण हो सकता है नो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इन फर्स्ट राउंड। मैं पहले ही आपको बताया था कि अगर आप फर्स्ट राउंड में आपको कॉलेज मिलता है तो अगर आप अपग्रेड भी करते हैं तो भी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है, और अगर आप नो ग्रेडेशन करते हैं तो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है। यानी कि अगर आप फाइनल एडमिशन लेना था तब तो जाएंगे ही, अगर आप अपग्रेड करेंगे तो भी आपको नेक्स्ट राउंड के लिए जाने से पहले आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या किए हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फर्स्ट राउंड में नहीं कराएं, उनके कारण उनका सेकेंड राउंड का सीट अलॉटमेंट कैंसिल हो गया, सेकेंड राउंड में सीट अलॉटमेंट नहीं आया। तो ध्यान रखिएगा, जो स्टूडेंट फर्स्ट राउंड में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराए होंगे उनका सेकंड राउंड में अलॉटमेंट नहीं आया होगा। ये प्रूफ देख लीजिए, एक स्टूडेंट फर्स्ट राउंड में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराया था इसलिए उनका सीट अलॉटमेंट नहीं आया है। उसके बाद बात करते हैं इनवैलिड डॉक्यूमेंट। इसका मतलब क्या है, अगर आपको फर्स्ट राउंड में अलॉटमेंट आया होगा और आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए गए भी होंगे बट आपके पास इनवैलिड डॉक्यूमेंट होगा, इसका मतलब जैसे कि है BC कैटेगरी से बट आप फिलअप कर दिए EBC, तो जब आप फॉर्म फिलअप किए होंगे तो इनवैलिड कैटेगरी डाल दिए होंगे, तो हो सकता है ये प्रॉब्लम हुआ होगा। अगर आप BC से होंगे तो EBC से डाल दिए हैं, तो उस टाइम जब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उस टाइम तो अपना कैटेगरी रियल कैटेगरी दे नहीं सकते, क्योंकि जो आप अप्लीकेशन के दौरान जो कैटेगरी डालें वही कैटेगरी आपको सबमिट करना होगा। अगर अप्लीकेशन में कुछ और कैटेगरी डाले हैं और आपका रियल कैटेगरी कुछ और है तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैंसिल हो गया होगा और सेकंड राउंड में अलॉटमेंट नहीं आया होगा। यानी कि अगर आपका कैटेगरी इशू हुआ होगा वेरिफिकेशन के दौरान, मान लीजिए BC से होंगे EBC कर दिए होंगे, SC से होंगे ST कर दिए होंगे मिस्टेक से, तो आपका सेकंड राउंड का सीट अलॉटमेंट कैंसिल हो जाएगा। वेरिफिकेशन में आपको नोट वेरीफाई करके लिख दिया गया होगा, जो भी कॉलेज में आप गए होंगे तो वेरिफिकेशन ऑफिसर की तरफ से नो वेरिफिकेशन यानी कि वेरिफिकेशन इनवैलिड कर दिया गया होगा, इसलिए आपका सेकंड राउंड का अलॉटमेंट नहीं आया। तो मेन कारण है, अगर आप फर्स्ट राउंड में वेरिफिकेशन के लिए नहीं गए होंगे तो आपका सेकंड राउंड में नहीं आया होगा, या फिर कैटेगरी इशू हुआ होगा तो आपका सेकंड राउंड में अलॉटमेंट नहीं आएगा। कैटेगरी में अगर मान लीजिए कुछ रियल में आपका कुछ और कैटेगरी एप्लीकेशन के दौरान कुछ और किए होंगे तो आपका अलॉटमेंट नहीं आया होगा। उसके बाद बात करते हैं अब क्या कर सकते हैं। तो देखिए, आपके पास एक उपाय है बचने का, यानी कि अगर आप चाहते हैं बिहार इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना तो आपके पास एक उपाय है। तो उपाय क्या है, मोपअप काउंसलिंग होता है, JMains के स्कोर पे मोपअप काउंसलिंग होता है, उसको स्पोर्ट राउंड काउंसलिंग भी कहते हैं। ये कब होगा, ये 5 दिन के बाद शुरू हो जाएगा, उसमें रजिस्ट्रेशन करना होगा, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको रैंक कार्ड आएगा, IAS भवन पटना में ऑफलाइन काउंसलिंग होगा। वैसे मैं एक वीडियो बनाया हूँ मोपअप राउंड में कैसे पार्टिसिपेट करना है, आप जाकर के देख सकते हैं। उसके बाद ये सेपरेट काउंसलिंग होता है, जो स्टूडेंट अभी तक UGSC काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किए थे वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो अभी तक UGSC काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किए थे यानी कि फ्रेश स्टूडेंट है वो भी कर सकते हैं। साथ ही साथ जो पहले एडमिशन ले चुके हैं और चाहते हैं कि मैं मोपअप राउंड में करूँ तो वो भी स्टूडेंट कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या किए थे, गलती उनको पता नहीं कौन बता दिया था कि फर्स्ट राउंड में अगर आप अपग्रेड किए हैं तो नहीं भी जाएंगे तो काम चल जाएगा। तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं था, आपको साफ साफ आपके अलॉटमेंट लेटर में लिखा हुआ था, यू हैव टू फिजिकल रिपोर्ट विथ योर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। तो अगर आप नहीं गए होंगे तो आपका सीट कैंसिल हो गया होगा, या फिर रॉन्ग चॉइस प्ले किए होंगे तो फर्स्ट राउंड में भी नहीं आया होगा, सेकेंड राउंड में भी नहीं होगा। तो उस स्टूडेंट के लिए मोपअप राउंड बहुत ही अच्छा चांस है, जब शुरू होगा तो मैं बता दूंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, मैं हर एक इन्फॉर्मेशन मोपअप राउंड से रिलेटेड दूंगा। तो फ्रेंड्स, आप कमेंट कीजिएगा इन सारे में से कौन सा कारण था जिसके कारण आपका अलॉटमेंट लेटर नहीं आया।